बिहार के गया में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा चिराग पासवान के समर्थकों ने सभी बागी सांसदों का अंबेडकर पार्क पर पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर पार्टी के सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज, वीणा देवी, चंदन सिंह एवं महबूब अली कैसर के प्रति गुस्सा जाहिर किया। ये सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में चिराग पासवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की आस्था व्यक्त की। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक पर बागी सांसदों का पुतला दहन कर कहा कि जिस तरह से पशुपति पारस के द्वारा चिराग पासवान के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है, पुतला दहन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उम्मीदवार, संगठन कार्यकर्ता सभी लोग चिराग पासवान के साथ हैं। लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, पूरा जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और 5-6 प्रत्याशी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो करके और पूरा जिला को सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता जिला से लेकर पंचायत से लेकर सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो करके और 6 बागी हुए हैं MP, उनको हम लोग यहाँ पे मुर्दा जलाने का काम किए हैं 5 को। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पशुपति पारस जी अपने लालच में अपना भतीजा को जब वो नहीं हो सकते हैं तो किन्हीं को नहीं हो सकते हैं। जिस जो रामविलास पासवान जी अपने दोनों भाइयों के लिए, अपने परिवारों के लिए परिवारवाद कहते रहे, आज उनको ही सिला दिए उनका बेटा को किस तरह से छोड़ करके और गैरों के साथ में राजनीतिक तय करने का काम किए हैं, पीठ में चूड़ा घोपने का काम किए हैं, जिस तरह से अभिमन्यु को महाभारत में इतिहास रच करके और मारने का काम किए थे, इसी तरह से पशुपति पारस जी चिराग पासवान जी को ध्वस्त राजनीतिक ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ये हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। हम चिराग भैया के साथ पूरी जनता है, उनके साथ है पूरी जनता है, वो नहीं घबराए और पूरा जनहित में उनको सारे लोग याद कर रहे हैं और सब लोग उनके साथ हैं। चिराग भैया नहीं घबराइए, पशुपति पारस जी अपना लोभ में जदयू के इशारे पे वो इस तरह के काम घटिया घिनौना हरकत काम कर रहे हैं, ये जनता कभी नहीं माफ करेगी।